तो फ्रेंड्स वेलकम टू लॉ एन जी के सो ऑफ लॉ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सर्विसेज एंड अदर लीगल एग्जाम्स सो फ्रेंड्स अभी रिसेंटली ट्वेंटी सेकंड जैन को जो है पंजाब जुडिशियल सर्विसेज का प्रलिमिन एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हुआ है का ठीक है तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद आंसर की ओब्वियसली सो फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू ऑन दिसनल आई वो लाइक टू रिकमेंड की आप जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल वेरी बेनिफिल फॉर यू इन प्रिप्रेशन फर जुडिशरी एंड अर लीगल एग्जाम डोंट फॉर गेट टू प्रेस द बेल सो दट यू कैन गट द नोटफिकेशन फॉर अपकमिंग विडियोज एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट क्लिक द लाइक बटन ऑफ देर एंड अप्रिशिएट दिस विद योर फ्रेंड्स सो दट दे कैन कम टू नो अबाउट दिस चैनल एज वेल एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन अडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडलीपर थैंक्स सो फ्रेंड लेट्स टू द क्वेश्चन पेपर सो फ्रेंड ये पेपर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है आप भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इसे एक किसी ने स्कैन करके डाला हुआ है पेपर तो उतना क्लियर नहीं मिल पाएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जितना कि बाकी मेरे एग्जाम पेपर्स होते हैं हो सकता है कि छोड़ दिन के बाद पी खुद इसको अपलोड कर दे वेबसाइट पर मिल सकता है ये बट हमें तो अभी डिस्कस करना था ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है फॉलोइंग तो सेक्शन section इन दी inserted in the IPC by लॉ अमेंडमेंट एक्ट Act 2013. तो 76 A ए भी था बी भी था और ये तीनों भी थे तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबाउ डी इज द आंसर आप चेक कर सकते हैं तीनों ऑप्शन जो हैं इंसर्ट किए गए देखिए यहाँ पूछा हुआ इंसर्टिड यहाँ पर अमेंडेड नहीं पूछा हुआ ठीक है ना ये तीनों इंसर्ट किए गए थे काफ़ी टफ क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट टू वॉल्ट्री थ्रोइंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर आई पी सी एटीन सिक्सटी तो कौन सा सेक्शन है ये है थ्री ट्वेंटी सिक्स बी बी इज द आंसर ए में क्या है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड एसिड अपने थ्रो कर दिया ग्रीवियस हर्ट होगी तो थ्री ट्वेंटी सिक्स ए लगेगा अगर वॉल्ट्री थ्रो किया और कोई हर्ट नहीं हुआ तब थ्रो करने पर भी पनिशमेंट है बी में ठीक है ना टू ट्वेंटी एट क्या है आइनिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप या फिर सेक्शुअल ऑफेंस है आपको उसको रिवील कर दिया तो टू ट्वेंटी एट ए में पनिशमेंट मिलेगी ठीक है ना यही बहुत कॉमन क्वेश्चन आता टू ट्वेंटी एट ए पर नेक्स्ट थ्री अंडर सेक्शन सिक्सटी फाइव आई पी सी इम्प्रेजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शबी लिमिटेड देखिए क्या इतना रिपीट क्वेश्चन कितना कॉमन क्वेश्चन वन फोर्थ ऑफ द मैक्सिमम टर्म फॉर इम्प्रजमेंट फिक्स फॉर दी ऑफेंस भी इसका आंसर रहेगा बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये तो नेक्स्ट सर फोर चीटिंग एंड देर बार इसल इंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और द मेकिंग ऑफ ऑल्ट्रेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एलेबल सिक्योरिटी इज डेट अंडर दैट इज सेक्शन फोर ट्वेंटी चार सौ बी सी है ना ये तो डी इसका आंसर रहेगा चीटिंग की डेफिनेशन कितने में है फोर वन फाइव में एक्सर फाइव विथ सेक्शन ऑफ आई पी सी डील्स विथ होमिसाइड बाई नेग्लिजेंस डेट इज पनिशेबल अंडर थ्री जीरो फोर ए सी इज द आंसर तीन सौ साथ में क्या है अटैम्प्टू मर्डर तीन सौ दो पता ही है मर्डर की पनिशमेंट है नेक्स्ट है सिक्स विच ऑफ़ द फोलॉविंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवार्डेड अंडर आई पी सी तो फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है येस yes, बिल्कुल है डिग्रेस प्रेजमेंट है डेथ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ नहीं है सी इसका आंसर रहेगा इसको डिलीट कर दिया गया था बाई एक्ट ट्वेंटी सिक्स ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फाइव एंड विद इफेक्ट फ्रॉम वन सेवन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स अब ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि एच पी हिमाचल जैसा कोई एग्जाम आया या फिर उत्तराखंड जैसा एग्ज़ाम आया तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये सेक्शन कौन सा है फिफ्टी थ्री आई पी सी नेक्स्ट सेवन इन विच दॉल्डेंस रेस्ट ऑफ रेयर रेरेस्ट ऑफ जो गाइडलाइन है बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो आर वर्सेज गोविंदा किस पर है ये वेरी फेमस केस डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन टू नाइनटी नाइन एंड थ्री हंड्रेड ऑफ आई पी सी ठीक है

ठीक है ना सेक्शन तो कौन सा है ये थ्री सेवन सिक्स ई राइट नेक्स्ट नाइन अंडर सेक्शन में टू ए इसका आंसर रहेगा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है अभी तक सिर्फ जो पहला क्वेश्चन है मैं कहूँगा कि डिफिकल्ट हो सकता बाकी जो क्वेश्चन आए हैं हमने नाइन क्वेश्चन कर लिए आठ क्वेश्चन बड़े ईजी हैं क्वेश्चन नंबर टेन है एक्सप्लेनेशन टू ऑफ सेक्शन थ्री आई पी सी कंसेंट ऑफ विक्टिम इज डैश इन द डिटर्मिनेशन ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग कंसेंट क्या जरूरी है उसकी नो इट इज इमीरियल डी इसका आंसर रहेगा एंड यह किया गया इसी सेक्शन के एक्सप्लेनेशन टू में लिखा भी हुआ ऊपर है ना नेक्स्ट अलेवन अंडर आई पी सी विच ऑफ दंसिडर्ड एज नॉन कॉगनीजेबल ऑफेंस तो वट इज कॉगनीजेबल नॉनिजेबल ऑफेंस कहा गया सी आर पी सी की टू सी हैगे नहीं वहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मैंशन किया गया है ठीक है अब मर्डर की पनिशमेंट कितने में है थ्री जीरो टू में थेफ्ट की थ्री सेवनटी एट में और इसकी फाइव हंड्रेड में है ना तो वहाँ पर देखिए अब मर्डर तो ऑब्वियसली कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड थ्री सेवनटी एट पनिशमेंट थेफ्ट की थ्री सेवनटी नाइन में तो वहाँ लिखा हुआ उसमें भी लिखा हुआ है कॉग्निजेबल डेफामेशन जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है सी इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट क्स्ट टीच ऑफ द फॉलिंग कैन बी कमिटेड बाय अ सिंगल पर्सन तो कॉन्सपी एसी में तो दो चाहिए गैंग रेप में भी क्या चाहिए दो टू और मोर चाहिए अबेटमेंट में क्या दो दो ज्यादा दोनों चाहिए नो अबेटमेंट सिंगल पर्सन कैन डू अबेटमेंट डुकैथी में भी पाँच चाहिए तो आंसर क्या रहेगा सी पता ही है आपको तो ईजी है बड़ा है ये तो क्वेश्चन नेक्स्ट थर्टी टू कम्पोनेंट्स ऑफ क्राइम आर कौन कौन से कम्पोनेट है मैनसिया एक्टेस्रियस यस फ्रॉड मिस्टेक आता है नो डी जो डिफेक्ट नो आंसर क्या रहेगा मैनस्रिया एक्टेस्रियस इज द आंसर कहीं कहीं ये इसको एलिमेंट्स भी लिख देते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है टू एलिमेंट्स पूछ लें अगर तो वो भी ठीक है मेन एलिमेंट सही है नेक्स्ट फोर्टीन इफ दफेंसिटी आउट साइड ऑफ पुलिस स्टेशन दफिसर इचार्ज पुलिस स्टेशन कैन ट्रांसमिट द एफ आई आर टू दुलिस स्टेशन टेरिटोरियल जोरिसिक्शन स्टेटमेंट इज ट्रूट इज वेरी ट्रू ए इज द आंसर नेक्स्ट फिफ्टीन एनी पर्सन एग्रीड बाई रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रेफर टू इन

थ्री फिफ्टी सेवन ए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है ए इसका आंसर रहेगा वन एक्स सेवनटीन सेक्शन वन सिक्सटी टू सी आर पी सी इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अक्यूज विक्टिम पुलिस ऑफिसर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अक्यूज अब आप पूछेंगे अक्यूज कैसे भी अक्यूज को ही तो बचाना है ना अगर ऐसा हुआ तो पुलिस ऑफिसर तो किसी को भी विटनेस बुला के साइन करवा के बोल देगा जो अक्ूज ने किया था इसने ये विटनेस ने अपना स्टेटमेंट दिया है ठीक है ना इसमें तो, तो अक्यूज की ही हुई है तो इस ए इसका आंसर रहेगा प्रेस्क्राइब फॉर टेकिंग थ्री ईयर्स कौन सा है ये फोर सिक्सटी एट सी आर पी सी तो वन ईयर कब तक है टू वन ईयर के जो ऑफेंसिस हैं पनिशमेंट वन ईयर तक है ठीक है फाइन ओनली है तो सिक्स मंथ की लिमिटेशन है एंड टू थ्री ईयर तो थ्री ईयर थ्री ईयर से अब की इम्प्रिजनमेंट है तो नॉ लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कमेंस होता है वो सेक्शन कौन सा है फोर सिक्सटी नाइन नाइनटीन वेन कैन अ ट्रायल कोर्ट रिलीज एन अक्यूज ऑन बेल अंडर सेक्शन थ्री एटी नाइन थ्री सी आर पी सी आफ्टर कन्विक्शन थ्री ईयर या फिर फाइव फिर या फिर सेवन ईयर आंसर क्या देगा थ्री ईयर ए इज द आंसर सेक्शन में ही मैंशन किया गया ही है ये नेक्स्ट ट्वेंटी सेक्शन एटी टू सी आर पी सी डील्स विद

सेशन वन सिक्सटी फोर मेस्टे शेलोन दूट हीज नॉट बाउंड टू मेक यस बिल्कुल ठीक है ही शे इन एक्टेशन कैन बी यू एग्जमेंस ऑफ लॉर अकू इज नेसरी ये नेसेसरी नहीं है मेस्टे मस वेफाई द वॉलट्रीनेस ऑफ देशन येस सीज का आंसर रहेगा वकील का होना जरूरी नहीं है अगर होता है तो वो कोर्ट के ऊपर डिनाई करें ना करें बट जनरली क्या होता है ना लॉयर्स प्रजेंस में कन्फेशन होता है जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन ट्वेंटी टू सेक्शन डैश ऑथॉरिटी मैजिट्रेट टू कन्वर्ट समन केस इन टू वर्ंट केस टू फिफ्टी नाइन डीज का आंसर रहेगा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री कैन बी अंडर सेक्शन थ्री ट्वेंटी वन ऑफ सी आर पी सीफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जिज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इफ जजमेंट इज प्रोनाउंसड तो बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस एनी टाइम ठीक है ना सेक्शन थ्री ट्वेंटी वन में लिखा कौन करेगा पी पी करेगा परमिशन ऑफ द कोर्ट नेक्स्ट ट्वेंटी फोर

देखिए स्पेसिफिक पूछा हुआ है ये वन डी किसके लिए है फ्रॉम ईयर टू ईयर या फिर रिजर्विंग ईयरली रेंट तीनों के लिए है डी इसका आंसर रहेगा एंड मान लो कि ये सेक्शन ना बताया गया होता और इसको टीपी में पूछा था किसी मान लो किसी स्टेट में पूछ ले टीपीए में तो टीपीए में भी सेम प्रोवाइड किया गया सेक्शन सेवन में वहां हो कि इन तीनों में जो है रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है नेक्स्ट रजिस्टर डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन री अंडर में होता है ये भी इसका आंसर रहेगा और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है सेक्शन थर्टी वन रजिस्ट्रेशन एक्ट में ओके okay? जो है ये इमोव प्रॉपर्टी नहीं होती तो हेरिटेज अलाउंस के साथ जो अलाउंसेज आते हैं ही मानी जाती है डी इसका आंसर रहेगा और ये सेक्शन टू क्लॉस सिक्स में मेंशन किया गया है जहां पर इमोन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है ओके okay? अभी क्वेश्चन आ गए कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है अटेंडर इन न्यूज़पेपर इज एन इनविटेशन टू ऑफर बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट थर्टी ए विदाउट ऑफ एनी बडी एक्सटिंग ऑफ बीस गो डाउन ए सफर इंजरी देर बाय

एसर्टी वन विच ऑफिंग रिलेशनशिप ड स्कोप ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस और देखिए ये जिस जितने क्वेश्चन मैंने किए ना यूपी जो डिश्यू सर्विस हम कर रहे हैं अभी तो उसमें सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ये सारे के सारे तो इसमें कौन मास्टर सर्वेंट होता है अंडू इन्फ्लुएंस में आ जाएगा लॉयर क्लाइंट भी आ जाएगा कस्टमर एंड शॉपकीपर नहीं आएगा सी इसका आंसर रहेगा डिटो क्वेश्चन पूछेगा डिट्टो एस टू टू क्रिएट एन एजेंसी कंसिडेशन इज नॉट ने देखिए ये भी यू पी एम सीरीज है अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं देखिए वहाँ पर मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाई हुई है जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्ट्रैक्ट वाली आप वीडियो देख लेंगे तो मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको कंसिडेशन इज नॉट नेसेसरी बीस दी आंसर कहाँ लिखा हुआ है सेक्शन वन एटी फाइव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नेक्स्ट थर्टी थ्री ए कॉन्डिशन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन दी हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट इन द फ्यूचर कैन बी एनफोर्स वेन अगर किसी ने मेरी यूपी सीरीज देखी होती है ना अगर पेपर देखे आया होता मैं कहता हूँ कि उसका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता इतने रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी सीरीज से आप देख लो एक बार चेक कर लो आई नॉट से आप ट्रस्ट करो बट जस्ट गो एंड चेक यूर सेल्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की वीडियो देख लो आप आई की देख लो कॉन्स्टिट्यूशन की देख लो कॉन्ट्रैक्ट की देख लो सब मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट थर्टी फोर एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर मस्ट बी

सेशन सी इज द आंसर बहुत ईजी है तो देखिए फिफ्टीन में क्या है कॉम्पिटेंट कोर्ट में आप फाइल करेंगे ट्वेंटी में क्या है सिक्सटीन से नाइनटीन लिखे हुए हैं उसके अलावा है तो करना है ए ट्वेंटी में क्या है बार टू फर्दर सूट बचा गया ट्वेंटी फोर नेक्स्ट अंडर सी पी सी बी चो दिन प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री लैंड हो जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होंगे बैंक नोट चेक हो सकते हैं बीस का आंसर रहेगा सेक्शन कौन सा है कि ये क्वेश्चन ही गलत है बिकॉज फर्स्ट वन थाउजेंड छोड़ के जो है आप जो है उसके बाद जो बचेगा उसका वन थर्ड या फिर टू थर्ड जो है अटैच कर सकते हैं एज अ केस में फर्स्ट वन थाउजेंड छोड़ के टू थर्ड आप जो है अटैच कर सकते हैं मेंटेनेंस की डिग्री में एंड वन थर्ड इन अदर डिग्रीज तो मेंटेनेंस का पूछा हुआ है तो टू थर्ड होना चाहिए बट मैं कहूंगा कि ये ऑप्शन गलत है क्वेश्चन जो है डिलीट होना चाहिए यूपी में भी आया था ये वहां पर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था

अगला देख लो फोर्टी थ्री ऑर्डर ऑर्डर सेवन रूल इलेवन क्या है ये डीम डिग्री है ए इज दी आंसर टू टू डिग्री की डेफिनेशन हम हमें मैंशन किया हुआ रिजेक्शन ऑफ प्लेट भी जो है वो डीम डिग्री माना जाएगा नेक्स्ट फोर्टी फोर भी जो फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू सेट एंड अरे यार बताओ डिटो क्वेश्चन दिखा दूँ आपको सी पी सी के पेपर देख लो आप यूपी के डिट्टो क्वेश्चन ऑब्वियसली ऑर्डर एट रूल सिक्स बी इज दी आंसर

अभी तक मैं कहूंगा कि 80 परसेंट जब भी हमने क्वेश्चन किया था चालीस क्वेश्चन कर लिए 80 परसेंट इज रिपीट क्वेश्चन थ्री में इसका आंसर रहेगा और ये कहा मैंशन किया गया है ऑर्डर थर्टी नाइन रूल टू ए में फोर्टी सेवन प्रॉपर अपील इंडियन परसेंट की अपील जो है वो कौन से ऑर्डर में है ऑर्डर फोर्टी फोर इज द आंसर देखिए थर्टी थ्री ऑर्डर है इंडियन पर्सन के लिए फोर्टी फोर में उसकी अपील है कितना ईजी याद करना थर्टी थ्री फोर्टी फोर डबल डिजिट्स में है ये फोर्टी टू क्या है अपील फ्रॉम फ्राम एपिली फोर्टी थ्री क्या है अपील फ्रॉम ऑर्डर फोर्टी फोर हो ही गया फोर्टी फाइव क्या है अपील टू सुप्रीम कोर्ट तो फोर्टी वन से और फोर्टी फाइव तक तो अपील के ही हैं उसके बाद फोर्टी सिक्स क्या गया रेफरेंस फिर फोर्टी सेवन रिव्यू रिविजन का कोई ऑर्डर नहीं है नेक्स्ट है फोर्टी एट बीच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू राइट टू अपील इज नेचुरल राइट इनहेरेंट इन स्टैचूट्री राइट स्टैचूट्री राइट होता है

नेक्स्ट फिफ्टी वन द सुप्रीम कोर्ट पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस इन केस इज अनशिएटेड इन आर्टिकल वन फोर्टी टू बी इज द आंसर नेक्स्ट फिफ्टी टू वट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर होगा प्रेजिडेंट का या फिर मोशन होगा ऑर्डर होगा प्रेजिडेंट का फिर मोशन होगा रिमूवल का पास ऑफ बोथ हाउसेज एंड स्पेशल मेजोरिटी से डीज का आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव और लिखा मैंशन किया गया है आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर में ही नेक्स्ट फिफ्टी दे द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है डिप्टी स्पीकर है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है डिप्टी स्पीकर असेंबली है सी इसका आंसर रहेगा सबके डिप्टी हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नहीं है बट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं ठीक है बने भी थे कौन बने थे पहले बताओ जरा लेकिन दो जो कमेंट सेक्शन में मान जाऊंगा आपको नेक्स्ट फिफ्टी फोर विच द फॉलन अबाउट अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट टू ऑडियं दर्स इन इंडिया आर्टिकल कौन सा है पार्लियामेंट सीज का आंसर रहेगा आर्टिकल थ्री में मैंशन किया गया है ये पार्लियामेंट मे बाई लॉ मेक न्यू और अल्टर द बाउंड्रीज नेक्स्ट फिफ्टी सिक्स केस प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट इज नॉट अप्रूव बाई द पार्लियामेंट फॉर हाउ मैनी मंथ्स द सेम प्रोमोगेशन शेल लास्ट फॉर मैक्सिमम सिक्स मंथ्स, डी इज द आंसर किया गया मैंशन किया गया आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स में एंड क्लॉज फोर सेवन सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व विलेज स्टेट यूनियन लेवल या फिर विलेज डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डी इसका आंसर रहेगा पंचायती राज का प्रोविजन कितने में है कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल टू फोर्टी थ्री से टू फोर्टी थ्री ओ तक और बाई सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट इसको इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में Next fifty-eight. In which year the Chief Information Commissioner by an order had declared political parties as public authority, brought them under RTI Act? That was in year twenty thirteen. This difficult question Next fifty-nine. In a recent decision dated 19-9-2022, twenty ninety-two, three multi fiveancy private limited by government of entity. It was held that judgment delivered by larger bench to prevail, respective of number of judges.

फॉलोविंग इज नॉट अब्लिक डॉक्यूमेंट तो कौन सा नहीं An order issuing a search warrant. ये public document है एंड ऑर्डर इशूंग सर्च वारंट ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्रॉप कटिंग बाय कलेक्टर ये पब्लिक है ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिक्सिंग प्राइस ऑफ कम्युनिटी ये भी है प्लेन रिटर्न स्टेटमेंट ये पब्लिक डॉक्यूमेंट थोड़ी होगा प्राइवेट डॉक्यूमेंट है डी इसका आंसर रहेगा वे पब्लिक डॉक्यूमेंट इज मैं फोर

सेवेंटी टू बी इज द आंसर सेवनटी वन में क्या है प्रूफ वेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाई एग्जीक्यूशन ठीक है सेवनटी थ्री क्या है कंपेरिजन ऑफ हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर सेवनटी फोर क्या है बताइए अभी पब्लिक डॉक्यूमेंट नेक्स्ट सिक्सटी सेवन टेस्टमनी ऑफ विटनेस टू एक्सिस्टेंस एक्सिस्टेंस ऑफ और एग्जिस्टेंस इन इशू इज ओरल एविडेंस सी इज द आंसर नेक्स्ट सिक्सटी एट फैक्ट इन इशू मीन्स फैक्ट एक्सिस्टेंस नो नाइन विच इज एडमिटेड नॉट डिस्प्यूटेड बाई द पार्टीज इशू कौन सा में वही तो होगा ना एडमिट कर लिया फिर क्या इशू रह गया आंसर सेक्शन थ्री इंटरप्रिटेशन देख लीजिए बताया गया है इंटरप्रटेश नेक्स्ट सिक्सटी में ये तीनों जो है फॉरबिट कर सकते हैं तो वन टू थ्री इसका आंसर रहेगा डी तो इंडिसेंट स्कैंडल वाले ये 151 में प्रोहिबिट किए गए हैं, इंसल्ट वाले किए गए हैं 152 में, नेक्स्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ सेक्शन आंसर और ये चीज कहाँ लिखी है, में लिखी हुई है ये बी के अकॉर्डिंग करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग या फिर अलोइंग प्रेस या फिर प्राइवेट प्रोसीडिंग प्राइवेट प्रोसीडिंग होता है ये पता होना चाहिए एक लीगल मैगजीन पूछ ली इन कैमरा लोग सोचते भी कैमरा रिकॉर्डिंग होगी नहीं प्राइवेट प्रोसीडिंग्स होती हैं डीज का आंसर रहेगा इन कैमरा इट्स अ लैटिन टर्म नेक्स्ट अंडर सेक्शन ऑफ ऑफ एविडेंस एक्ट कोर्ट में तक अम से डॉक्यूमेंट इज थर्टी ईयर्स ओल्ड डी इज द आंसर अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पूछ लें कितना है फाइव ईयर सेक्शन है नाइनटी ए ओके नेक्स्ट रूल ऑफ नो वन कैन ब्लो हॉर्न एंड कोड इन द सेम ब्रेथ रिलेट्स टू डॉक्टर आइन ऑफ इलेक्शन दी इज द आंसर भाई इसको इलेक्ट करना पड़ेगा ना भैया तो उसके साथ जाया नहीं मत जा टीपे में कितने में है थर्टी फाइव में डॉक्टर फोर्टी थ्री में लिस्पेंडेंस फिफ्टी टू होल्डिंग आउट होल्डिंग आउट भी है फोर्टी वन में ट्रांसफर बाय ऑब्सटेंसिबल ऑनर ये फोर्टी वन में ही है ठीक है नेक्स्ट सेवनटी फोर सेक्शन सिक्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सूट एक्टेशन ऑफन प्रॉपर्टी कैन बी फायर विद इन सिक्स मंथस ऑफ डिस्पोजेशन सी का आंसर रहेगा ये कितना कॉमन क्वेश्चन है ये नेक्स्ट सेवनटी फाइव एन इंजंक्शन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी ग्रांटेड टू रेस्टेन थेफ्ट मर्डर या पब्लिकेशन ऑफ डिफीमेटरी स्टेटमेंट सीजी आंसर कैसे बोल तू तो चोरी मत करियो भाई तू तो मर्डर नहीं करेगा पता थोड़ी होगा उसका मर्डर करने जाएगा या थर्फ करने जाएगा कैसे करेंगे वो कितने में सेक्शन थर्टी इसमें बताया गया कि प्रिवेंटिव रिलीफ है दो टाइप के होंगे टेम्परे परपैचुअल कि टेम्प्रेरी क्या है थर्टी सेवन में परपैचुअल क्या है थर्टी सेवन में कितने में है थर्टी नाइन में परपैचुअल <Planet> कब दे सकते हैं वो है थर्टी एट में नेक्स्ट सेवेंटी कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्क्रिशनरी रिलीफ अंडर एस आर ए ट्रू है

सेक्शन कौन सा है फोर्टी सेवन ए इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट अंडर पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशन बी इज दी आंसर और ये कहाँ मैंशन किया गया है mention किया गया थर्टी टू में नेक्स्ट एटी वन ए पार्टनरशिप राइजेज बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस कहाँ मैंशन किया गया सेक्शन फाइव ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बी इसका आंसर रहेगा next, 82, a minor acting through the guardian can be admitted to the benefit of partnership without personal liability, see the answer section 1, 30 of partnership act. next, 83, dissolution of a firm can be claimed under section 44c of indian partnership act where a partner has transferred his interest in the partnership firm to a third party. b is the answer. सेक्शन फोर्टी फोर क्या है डिजोल्यूशन पार्टनरशिप बाय कोर्ट इसका भी मैंने बताया था देखिए ए सी सी डब्ल्यू सी ए से डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट सी से कंपल्सरी फिर सी है कॉन्टिजेंसी फिर आ गया बाय विल फोर्टी फोर क्या आ गया बाय कोर्ट तो चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस चवालीस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको नेक्स्ट एटी फोर अब देखिए चैप्टर टू ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ ए रहेगाक्शन टू में प्रॉपर्टी वट इज ट्रांसफर्ड राइट टू इंजॉय प्रॉपर्टी मीन प्रोफिट राइट टू एंजॉय होता है ऑब्वियसली एज द आंसर लीज कितने मेंशन किया गया है सेक्शन वन जीरो फाइव में नेक्स्ट एटीसी इन विच द फॉलोइंग कंडीशन द लीज कैन कैन बी टर्मिनेटेड एफ्लैक्स ऑफ टाइम है यस टर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट पावर है ऑन मर्जर है आंसर क्या रहेगा इसमें ऑल ऑफ दी दीज का आंसर रहेगा सेक्शन कौन सा है हंड्रेड इलेवन दो टर्मिनेशन ऑफ लेस इंटरेस्ट ऑफ पावर दैट इज क्लॉज सी ऑन मर्जर दैट इज डी स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ मर्जर बट जब मान लो ले ने ही प्रॉपर्टी खरीद ली तो मर्ज होगी ना डीज उसमें ही। 87, is, is कैसे? क्योंकि 122, की जो वहां पर, पर लिखा हुआ है की वन पर्सन टू अनदर पर्सन है तो अभी तो अनबोर्न चाइल्ड बोर्न नहीं हुआ ठीक है ना तो पर्सन तो माना नहीं जाएगा वो क्योंकि उसको एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा ना गिफ्ट को एक्सेप्ट कैसे करेगा

पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ऑफ नो इंडिपेंडेंट एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर क्या रहेगा बता दो मान जाऊंगा आपको इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी करेक्ट कैसे एक्ट में तो ये नो इफेक्ट है और गिवट इंडिपेंडेंट एन एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट एज पर एक्सेप्शन थ्री ऑफ सेक्शन ट्वेंटी फाइव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई वु से कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा ये क्वेश्चन भी आंसर मेरे हिसाब से तो इसका डी होना चाहिए बोथ आर करेक्ट बट वही बात ना नो इफेक्ट लिखा तो फिर ये ए, ए बी नहीं हो सकता बी लिखा तो फिर ए नहीं हो सकता तो एज पर लिमिटेशन एक्ट देखे तो इसका आंसर ए रहेगा अगर एज पर कॉन्टेक्ट देखे तो बी रहेगा दोनों ऑप्शन हैं हो सकते हैं यहां पर यहाँ पर अगर होता ए और बी तो भी वो कॉन्ट्रोवर्शियली रहता है उड़ से नेक्स्ट नाइनटी टू सेक्शन थ्री एक्ट कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन

न right तो हाँ भी क्लेम ऑफ राइट्रिशन है देखिये मैं यहां पर भी कहूंगा कि मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन है शो कर देंगे तभी तो होगा ना यहाँ बी एंड सी आना चाहिए था बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर दोनों होना चाहिए ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहेगा 95, The easement right over the property belonging to government are acquired by continuous and uninterrupted user if the right is peaceably and openly enjoyed for a period of 30 years. This is the answer. Private person 20 years. This is the answer. Hmm. अभी यहाँ से आगे जीके क्वेश्चन पंजाब जे थर्टी variety of कौन सी क्रॉप की वैरायटी है ये कॉटन की वैरायटी है ए इसका आंसर है नेक्स्ट नाइन्टी सेवन अब देखिए जो पोंग डैम वाला है ये रिपीट क्वेश्चन है पंजाब में ही पूछा जा चुका है पहले तो मैच करना है यहाँ पर बताना कौन सा करेक्ट है पोंग डैम हिमाचल में है हरी के वेटलैंड पंजाब में है उदर सागर लेक ये कहाँ पर त्रिपुरा में तो ऑल आर थ्री आर करेक्ट डी इज द आंसर नाम से देखेगा त्रिपुरा तो हो नहीं सकता है लोग सोचेंगे त्रिपुरा ही है नेक्स्ट नाइनटी एट वाट इज द नेम ऑफ अवार्ड रिसेंटली द इंडियन प्रेजिडेंट टू चिल्ड्रन इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन सोशल सर्विस स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर एंड ब्रेवरी इट वॉज बाल शक्ति पुरस्कार दिस दी आंसर नेक्स्ट नाइनटी हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन फोर मेडल एट वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप बजरंग पुनिया, बी इज द आंसर नेक्स्ट हंड्रेड हु इज नोन एज पंजाब केसरी लाला लाजपत राय डी इज द आंसर नेक्स्ट वन जीरो वन हु इज अपॉइंटेड फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दट वॉज दिस एल नागेश्वर राव ए इज दी आंसर नेक्स्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली परमिटेड टू इंट्रोड्यूस विच एनिमल टू इंडियन चीता लेके आए थे ना, चीता. Answer, वो पूछ लिया है. 103, पेंच रिजर्व इज लोकेटेड इन विथ स्टेट पेंच कहां पर है मध्य प्रदेश में बी इज द आंसर नेक्स्ट वन जीरो फोर बीच ऑफ दी कॉमन टू बद्रावती कर्नाटका चुर्क उत्तर प्रदेश दालमियानगर नगर बिहार ग्वालियर मध्य प्रदेश ओखा गुजरात माधोपुर राजस्थान सूरजपुर हरियाणा तो ऑटोमोबाइल है टेक्सटाइल सीमेंट सीमेंट की इंडस्ट्री है मोहल्ला पंजाब में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में गंगोर राजस्थान में आंसर क्या रहेगा डी ऑल आर करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी है लिबर्टी है जस्टिस सेंटिटी नहीं है सी इज द आंसर नेक्स्ट है वन जीरो सेवन बट इज मीन बाय पर इंक्म देखिये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पंजाब के पेपर में ही अब देख लेना प्रीवियस पेपर में डिस्कस किए हैं रिपीट क्वेश्चन आ गए ना देखिये तो टू बाज इग्नोरिंग प्रोविजन ऑफ लॉन्न प्रेसिडेंट सी इज द आंसर एक्स वन जीरो एट अंडर ग्रेजुएशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट विच फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर जुडिशियल डायवर्स हस्बैंड इज मिसिंग फॉर थ्री ईयर्स फोर ईयर होना चाहिए सेक्शन टू के क्लॉज वन में मैंशन किया गया ये हस्बैंड फेलर टू मेंटेन द वाइफ फॉर टू ईयर्स ये ठीक है बिल्कुल ये है क्लोज टू इम्प्रेट फॉर हसबैंड फॉर सेवन ईयर्स ये है क्लॉज थ्री हजबैंड फेलियर टू परफॉर्म मेडिकल ऑब्लीकेशन फॉर थ्री ईयर्स ये है क्लोज फॉर ठीक है ना तो आंसर क्या रहेगा नॉट वैलिड

वो सफर कर रहा है लेपरेसी से और उसको छोड़ के चली गई तो मेंटेनेंस क्यों देगा उसको वो नहीं फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन मेंटेनेंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फादर का प्रोविजन नहीं है डी इसका आंसर रहेगा क्योंकि सेक्शन एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि पेरेंट्स इंक्लूड चाइल्डलेस स्टेप मदर ठीक है ना तो चाइल्डलेस लिखा होना चाहिए था यहाँ पर ये भी कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है नेक्स्ट वन थ्री विच अमंगज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म हिंदू यूज इन हिंदू मैरिज एक्ट सिख है जैन है बुद्धिस्ट है पार्सिज नहीं है बीस का आंसर रहेगा नेक्स्ट फोर्टीन वेन टू परसन आर डिसेंडेंट ऑफ कॉमन आंसर बट बाई डिफरेंट हजबेंड दे टू इच अदर बाय ट्राइन बलड सी इज द आंसर का प्रोवाइड किया गया सेक्शन थ्री क्लॉज डी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में एंड सेक्शन थ्री क्लॉज ई टू ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट सेम चीज लिखी हुई है नेक्स्ट हंड्रेड फिफ्टीन हिंदू मैरिज एक्ट अंडर सेक्शन टेन प्रोवाइड फॉर जुडिशियल सेपरेशन बीज दंसर नेक्स्ट हंड्रेड सिक्सटीन अकोर्डिंग सेक्शन फोर ए ऑफ हिंदू माइनोरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट ए माइनर मीनसनोट्लीट एज ऑफ एटीन ईयर सी इज द आंसर नेक्स्ट वन वन सेवन सिक्स वेटिंग पीरियड टू डेवोर्स बाई म्यूचुअल कौन सा केस में आया है अभी ये अमरदीप सिंह वर्सिज हरवीन कौर ट्वेंटी इनपर्टीन इंटरेस्ट बाय पार्टी या बर्थ बर्थ पेर करेगा जैसे पैदा होगा उसका हिस्सा आ जाएगा बीस का आंसर रहेगा

क्या स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल यस करेक्ट है ए इज दी आंसर नेक्स्ट 121 गिविंग एंड टेकिंग आर इंपोर्टेंट सेरेमनीज ऑफ एडॉप्शन डी इज दी आंसर नेक्स्ट 122 अकॉर्डिंग टू विच डॉक्ट्राइन अ सन अडॉप्टेड बाय अ विडो अंडर अथॉरिटी ऑफ द हस्बैंड वाज डीम्ड टू बी अडॉप्टेड ऑन द डे ऑफ हस्बैंड डाइड डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक ए इज दी आंसर नेक्स्ट वन ट्वेंटी थ्री इन केस ऑफ हिंदू मेल डाइंग इंटरस्टेट मदर इज क्लास टू नो इज क्लास वन फादर क्या फादर क्लास टू हैदर क्लासर इज क्लास टू सी इज द आंसर स्कैड्यूल में हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट के नेक्स्ट वन ट्वेंटी फोर अकोर्डिंग टू डॉक्टर हसबैंड फॉर द फादर्स डेथ सन इज लाइबल फॉर द फादर्स डेथ सी इज द आंसर पावर टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट ए इज द आंसर सिर्फ एक क्वेश्चन आया पंजाब कोर्ट्स एक्ट से सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पंजाब जुडिश्री का ट्वेंटी ट्वेंटी टू का प्री का एग्जाम पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो कोई एडवाइस हो कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं वी ऑलवेज अप्रिशिएट यमेंट्स एंड फीडबैक एंड फ्रेंड्स इफ यू लाइक दी एफर्ट्स काइंडली गिवे अ सुपर थैंस मिनिमम स्टार्ट फॉर ट्वेंटी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड डोट फॉर गेट सब्सक्राइब आर चैनल एंड वॉय सब्सक्राइबिंग डोट फॉर गेट टू प्रेस दी बेल आइन सो दैट यू कैन गेट द नोटिकेशन ऑफ आर अपमिंग वीडियो सो फ्रेंड्स थैंक यू थैंस वरी मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो थैंक यू